हेलो गाइस, मैं हूं आशुतोष। स्वागत करता हूं मैं आपका मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल इंजीनियर पर। तो चलिए शुरू करते हैं। जय हिंद दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे से होंगे। यदि आप चाहते हैं सेना में जाकर के और देश की सेवा करें तो आपके पास एक सुनहरा मौका है एनडीए एनए के थ्रू, यानी नेशनल डिफेंस एकेडमी और नेवल एकेडमी का जो एग्जाम होता है कंबाइंड रूप से, जिसको यूपीएससी लेती है, उसके थ्रू इसका जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया है। और जो एग्जाम की डेट वगैरह है और फॉर्म का जो डेट है वो हम अभी इस नोटिफिकेशन को पूरा पढ़ के आपको एक एनालाइज करके दिखाएंगे कि क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एनडीए होता है नेशनल डिफेंस एकेडमी और एनए जो होता है वो नेवल एकेडमी होता है। यूपीएससी द्वारा कंडक्ट एनडीए 1 का एग्जाम जो है 2021 के लिए वो हमारा 18 अप्रैल को होगा, जिसका फॉर्म भरने का डेट 30 दिसंबर 2020 यानी कल से स्टार्ट हो रहा है और लास्ट डेट 19 जनवरी 2021 तक है। वही लास्ट डेट जो है पेमेंट करने के लिए वो भी 19 जनवरी ही है। तो आप इसको जल्दी से जल्दी भर ले यदि आप सेना में जाना चाहते हैं। तो आपको एक बात बता दूं कि इसके थ्रू जो जाता है वो सीधे लेफ्टिनेंट बनता है 4 साल की ट्रेनिंग के बाद। एप्लीकेशन फी जो है वो जनरल और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 100 रुपीज है और एससी एसटी के कैंडिडेट्स के लिए कोई फी नहीं है। एप्लीकेशन फी का जो चार्ज होगा वो सब आपको ऑनलाइन मोड से ही देना पड़ेगा, या तो आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग किसी भी मोड से कीजिए, लेकिन सारा पेमेंट ऑनलाइन ही होगा। बात करें एज लिमिट की, तो सेना में जाने की तो कोई एज लिमिट वैसे नहीं होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए, लेकिन जो एक क्राइटेरिया होता है उसको हमें फॉलो करना पड़ता है। तो यहाँ पे भी ये जो एज लिमिट दिया गया है वो दिया गया है कि यदि आपका डेट ऑफ बर्थ 2 जुलाई 2002 से लेकर के 1 जुलाई 2005 के बीच में है तो आप एनडीए एनए 1 2021 के लिए एलिजिबल हैं अकॉर्डिंग टू एज। वही बात करें यदि हमारे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की और बाकी सब की, तो यहाँ पे देखिए जो पोस्ट नेम है यह है आर्मी विंग और एयर फोर्स एंड नेवल विंग के लिए नेशनल डिफेंस एकेडमी का जो पोस्ट होता है। उसके बाद यहाँ पे पोस्ट देख लेंगे कि कितने कितने पोस्ट हैं। तो आर्मी में 208 पोस्ट हैं, नेवी में 42 पोस्ट हैं, एयर फोर्स में 120 पोस्ट हैं और नेवल एकेडमी में टोटल 43 पोस्ट है। टोटल आपका जो पोस्ट है वो 408 है। यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आर्मी बिंग, एयर फोर्स, नेवल बिंग, इन सब के लिए आपको 12th इंटरमीडिएट यानी कि उसमें आपको होना चाहिए या फिर पास आउट हो जाना चाहिए, वो भी फिजिक्स मैथ्स के थ्रू। यानी कि जो साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं उन्हीं को केवल एयर फोर्स और नेवल विंग मिलता है। आर्मी विंग जो है वो साइंस स्टूडेंट हो या आर्ट्स स्टूडेंट हो या कॉमर्स स्टूडेंट हो वो सभी लोग भर सकते हैं, लेकिन जो इसका सिलेबस होता है उसमें हमको मैथ्स का एक पेपर देना ही पड़ता है। आपको मैं सिलेबस और पेपर कैसा आता है इसके लिए एक एक्स्ट्रा वीडियो बना दूंगा, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें ताकि जो भी अपडेट होगा एनडीए से रिलेटेड मैं आपको देता रहूंगा। अब यहाँ पे देखते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड्स क्या है। तो कैंडिडेट शुड बी फिट फिजिकली। देखिए कोई एक खास इसमें फिजिकल फिटनेस की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन आपको फिजिकली फिट होना पड़ता है। इसमें बस जो आपका ट्रेनिंग होता है उससे पहले आपको एक इंटरव्यू देना पड़ता है। जैसे आप एनडीए का एग्जाम निकाल लेंगे तो वहां पे आपको एक एसएसबी का इंटरव्यू देना पड़ता है, जिसमें आपको बहुत सारी एक्टिविटीज कराई जाती है जिससे आपको चेक कर लिया जाएगा कि आप फिजिकली फिट है कि नहीं। इसमें कोई ऐसा नहीं कि आपको 1600 मीटर दौड़ करना पड़ रहा है या फिर लॉन्ग जंप, हाई जंप क्लियर करना पड़ रहा है, लेकिन एक चीज है कि यदि आप वैसा नहीं कर पा रहे हैं, उसके लायक नहीं है, तो आप शायद वो वर्क्स भी नहीं कर पाएंगे जो एसएसबी के इंटरव्यू में कराया जाता है। हाइट और वेट की भी बात करें तो वो जनरली हाइट 5 feet 2 inches के आसपास लेते हैं। एयरफोर्स के लिए थोड़ा हाइट ज्यादा रहता है 5.3 inches के आसपास, बाकी इसमें कोई ज्यादा स्टैंडर्डाइजेशन नहीं होता है इसके लिए। वो सब आप डिटेल्स देख सकते हैं उसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के। इसके बाद आपको बात करें, एक मेन चीज होता है कि एनडीए केवल और केवल वही स्टूडेंट्स भर सकते हैं जो अनमैरिड हो। यानी कि आपको एक एज का तो हो ही गया कि जो 12th में है और 12th पास आउट करने वाले हैं, उसके साथ साथ 18 साल से छोटे होने चाहिए, मतलब 16 से 18 साल के बीच में होने चाहिए और साथ ही में अनमैरिड होने चाहिए। उसके बाद देखिए कि कैसे भरना है फॉर्म को। तो फॉर्म को यूपीएससी के वेबसाइट से जाकर के 30 जून से भरना है। मैं आपको कल ही, 30 जून है तो कल से जब फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा तो मैं आपको एक फॉर्म भर के आपको डेमो दिखा दूंगा कि फॉर्म कैसे भरा जाता है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं
तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन प्रेस करें। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपना बहुमूल्य सजेशन कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।